Hey, what's up guys? Welcome to the channel. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेशनशिप एडवाइस के ऊपर है, मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर एक लव गुरु का काम करूंगा और आपको रिलेशनशिप टिप्स दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना बहुत ईजी होता है। बहुत से लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं बट उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे किया जाए, लाइफ लॉन्ग कैसे लेकर जाया जाए और रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी कैसे रखा जाए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलेगा भी और लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी भी रहेगा। हमेशा के लिए आप एक अच्छा रिलेशनशिप में रहोगे, वो रिलेशनशिप कभी आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखो एंड यस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, हैव गुड कम्युनिकेशन विद इन यू एंड योर पार्टनर। अपने और अपने पार्टनर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो कभी आपसे खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाएगी। सो एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस, एक और चीज़ यहाँ पर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमारा पार्टनर हमसे खुल के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है या कर रही है तो हमें उसे बिना जज किए उसके प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। अच्छे से सुनने के बाद फिर दोनों को ही मिलकर उस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे तो आप उस चीज़ को लेकर उससे जज करो, उसके नेचर को जज करो या उसके कैरेक्टर को जज करो, व्हाटएवर। अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करो ताकि आपका पार्टनर आपसे खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए। और जब भी आपका पार्टनर अपने प्रॉब्लम को आपसे शेयर करे तो रिएक्ट मत करो, ध्यान से सोचो उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। अगर आपको रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो यहाँ आई बटन में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं वो वीडियो आपको मेंशन कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट जरूर करो। टिप नंबर 2, देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी जिसको बोलते हैं, समझदारी ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका पार्टनर जो है अगर आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या आपकी पार्टनर आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो आपके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप बिना रिएक्ट करे उसके प्रॉब्लम को समझ पाओ। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाओ बिना किसी तरह का रिएक्शन लिए या बिना रिएक्ट किए एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका पार्टनर जो आपको बोल रहा है वो आप अच्छे से इनटेक कर पाओ, देन अपने प्रोसेसर में, दिमाग के प्रोसेसर में उसको प्रोसेस करके उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में समझदारी नहीं होगा तो आप दोनों छोटे छोटे बातों पर लड़ते रहोगे लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए। नंबर 3, डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर से मत छुपाओ। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो तो इससे दो चीज़ें डेवलप होंगी। पहला कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो डेवलप होगा। एंड दूसरा, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है और आपके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए रेडी है तो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। एंड एक और चीज़ होता है कि अगर हम बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर से छिपा लेते हैं और उसे हमारे जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं वो कोई थर्ड पर्सन से पता चलता है तो ये ज़्यादा हर्टिंग होता है। इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स को छिपाने के बजाय खुद ही बता दो, क्योंकि अगर आपके प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा तो उसे ज़्यादा हर्ट फील होगा। टिप नंबर 4, रिस्पेक्ट ईच अदर। अब इस पॉइंट को मेरे को ज़्यादा स्ट्रेच आउट करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी रिलेशनशिप में गाली गलौज मारपीट चल रहा है डेली तो वो रिश्ता टिक नहीं पाता है और टॉक्सिक हो जाता है काफ़ी। सो आप इस चीज़ को स्टार्टिंग से एक हैबिट बनाओ कि आप एक दूसरे के बातों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो। नंबर 5, गिव टाइम टू ईच अदर। आपको एक दूसरे के लिए टाइम रखना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने काम में बहुत बिजी रहते हो सकता है आप कहीं वर्क कर रहे हो सकता है आपका कोई जॉब हो और आपका एक बिजी रूटीन हो, बट इन सभी चीज़ों के बावजूद आपको अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना चाहिए। हो सकता है ये भले ही आधे घंटे का ही टाइम क्यों ना हो, बट थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने पार्टनर के साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जहाँ आप और आपके पार्टनर
बैठ के शांति से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए, क्योंकि डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए। डिस्कशन के थ्रू आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करोगे तो आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप दूसरे के साथ इश्यूज शेयर कर पाओगे, प्रॉब्लम्स अपने शेयर कर पाओगे। सो इसके लिए आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 6, गिव सरप्राइज गिफ्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट्स दो। जरूरी नहीं है कि ये कोई एक्सपेंसिव, मतलब सोने का चेन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि ये गिफ्ट आपके एक्सपेंसिव ही हो, चीप स्मॉल थिंग्स एक दूसरे के लिए बाय करते रहो। और कोशिश करना कि सरप्राइज है, चीज़ों को सरप्राइजिंगली गिफ्ट करो। अगर कोई भी इंसान आपको सरप्राइजिंगली कुछ गिफ्ट करता है तो आपको बहुत स्पेशल फील होता है। अगर आप ये चीज़ एक दूसरे के लिए कर रहे हो रिलेशनशिप में, एक दूसरे को सरप्राइजेस देकर स्पेशल फील करा रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलेगा। नंबर 7, डोंट चीट ईच अदर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा क्यों कोई इंसान किसी पे चीट करता है, क्यों, वो एक डिफरेंट सा टॉपिक और बहुत ही बड़ा एक वीडियो बन जाएगा, मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और से बातें करते हैं और अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करो। कोई भी इंसान हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ट्रूथफुली रहो, ईमानदारी से रहो, वरना मत रहो, अकेले रह लो, बट रिलेशनशिप में होने के साथ साथ किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलो। नंबर 8, ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो। आप फालतू का शक मत किया करो, क्योंकि शक करने से क्या होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपका पार्टनर कहीं है आपसे दूर और आप अलग अलग तरह ख्याल अपने दिमाग में ला रहे हो कि ये वहाँ रहकर क्या कर रहा होगा, ये किसी और के साथ मतलब रिलेशनशिप में होगा कुछ भी, या मेरे पे चीट कर रहा होगा, ये होगा वाला चीज़ मत लेकर आओ। जब तक तुम श्योर ना हो जाओ, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट बरकरार रखो, अपने ट्रस्ट को ब्रेक मत होने दो। बट अगर आप श्योर हो जाते हो तो फिर लात मार के निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आप श्योर नहीं हो रहे हो तो प्लीज़ शक मत करो, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को बीच में लाकर रिलेशनशिप को ख़राब मत करो। नंबर 9, कीप प्रोमिसेस, छोटे छोटे प्रोमिसेस को निभाओ। बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं रिलेशनशिप में जो प्रोमिसेस नहीं निभाते, छोटे छोटे प्रोमिसेस ही सही, बट उन्हें प्रोमिस करने के बाद वो लोग भूल जाते हैं या फिर प्रोमिस तोड़ देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई भी छोटा सा भी प्रोमिस करो अपने रिलेशनशिप में तो उसे निभाओ। ब्लाइंडली कोई भी प्रोमिस मत कर दो जिसको तुम निभा ना पाओ, क्योंकि अगर आप प्रोमिसेस ब्रेक करोगे, प्रोमिसेस को नहीं निभाओगे, तो इसके वजह से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। इंसान सोचता है कि अगर ये इतना छोटा सा प्रोमिस नहीं निभा पाया या निभा पाई तो ये इतना बड़ा रिलेशनशिप मेरे साथ कैसे निभा पाएगी। और आज का जो बोनस टिप है, कीप द रोमांस अलाइव। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो शादी के 1 या 2 साल बाद उनके बीच का रोमांस खत्म हो जाता है, वो अपने रोमांस लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, काम, पूरे दिन भर का काम, ड्यूटी, इसमें बिजी हो जाते हैं, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर रोमांस भी एक चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए रोमांस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये सभी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड यस, आप इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ देखो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं डिस्कस किया हूँ वो वन साइडेडली नहीं निभाया जाएगा। आप प्लीज़ ट्राई करो कि आप इसे अपने पार्टनर को दिखाओ, शेयर करो उसके साथ, एंड यस, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो जो लोग रिलेशनशिप में है, ताकि उनका रिलेशनशिप भी हेल्दी रहे, टॉक्सिक ना बने। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू, थैंक यू।